अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम गए हैं एट्रियम मॉल, तो चलें चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं एट्रियम मॉल, लेट्स बिगिन। तो ये रहा एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर आए हैं, और ये रहा यहाँ का ग्राउंड फ्लोर। काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स लगी हुई थी, फिर हम गए माँ सफदर के शॉप में। तो अंदर बड़ा सन्नाटा सा था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए, सिर्फ बाहर से ही देख कर आ गए। तो यहाँ पर देखें, बहुत सारे ब्रांड्स पर ऑफ लगी हुई है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना क्राउड होगा, लेकिन यहाँ पर रश था। यहाँ पर ये क्रिसमस की डेकोरेशन हुई हुई थी, और बाकी सारे ब्रांड्स पे ऑफ चल रहा था। सफ़ायर की बहुत अच्छी सेल चल रही थी यहाँ पर। आगे आपको सफ़ायर की शॉप भी दिखाती हूँ मैं, और साया पे भी ऑफ लगी हुई थी। मैंने साया भी विज़िट किया, काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है उनके पास विंटर्स की। और ये रहा सफ़ायर का आउटलेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। बहुत सी चीज़ें जो मैं ऑनलाइन दे के गई थी वो तो आउट ऑफ स्टॉक थी। तो फिर हम गए ऊपर, तो ये देखें, ये है टॉप फ्लोर का व्यू। और फिर मैं गई सिनेमा की तरफ, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, और पाकिस्तानी 3 फिल्म्स लगी हुई थी। तो ये सिनेमा एट्रियम मॉल का, तो मैंने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली। तो मौला जट की जो फ़िल्म लगी हुई थी, मैंने उसके चार्जेस पूछे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 800 चार्जेस हैं, लेकिन अभी 400 में आपको उसकी टिकट मिल जाएगी। फिर हम बाहर आए, और ये लाइब्रेरी थी, और ये रहा फूड कोर्ट। यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। अफसोस की बात यह है कि मैंने देखा मैकडॉनल्ड्स और KFC पर बहुत ज़्यादा रश था। हमारी पाकिस्तानी आवाम अब तक छोड़ नहीं पाई है ये सारे ब्रांड्स। खैर, फिर हम बाहर निकले और मेरे फेवरेट भुट्टे खाए। फिर ये रहा बाहर का व्यू, और इसके बाद हम लोग बन स्टोर गए, वहाँ से आइसक्रीम खाई, और फिर हम गए घर। तो ठंड में भी आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।